बात कर रहे थे फुल फ्लेज, आप फिर से वापस मुझे खुद भी बहुत खुशी है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद कमिंग बैक इन टू फिल्म्स। एक्चुअली देर वॉज़ अ वेरी लॉन्ग गैप, लेकिन उसके बाद तो मैंने कई फिल्म्स में गाया है, जैसे आई सॉन्ग फॉर ए आर रहमान इन पुकार, अनु मलिक के काफ़ी मैंने गाने गाए हैं, जैसे मुझसे शादी करोगे, पाप, मर्डर और शुक्रिया एक फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है, इनफैक्ट आज रिलीज़ हो रही है, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, एंड कुछ गीत मेरे अदनान सामी जी के लिए जो मैंने गाए हैं वो भी मेरे ख्याल से एक दो तीन महीने में आ जानी चाहिए फिल्म, जिसका लकी। काफ़ी एक मतलब अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अचानक धीरे धीरे कम, हालांकि बीच बीच में हम सब आपके गाने सुनते रहते हैं जी हाँ, लेकिन बीच में एक बैग बिल्कुल कम कर देना गाना वेल एक्चुअली ऐसे था कि उस वक्त मैं एक्सक्लूसिवली टी सीरीज़ के साथ जुड़ी हुई थी, और आफ्टर 91 उन लोगों ने फिल्में लेनी बंद की और उन्होंने होम प्रोडक्शन भी बंद की थी, एंड दे स्विच टू डिवोशनल्स। उस वजह से मैं ज़्यादा डिवोशनल्स में इन्वॉल्व रही और फिल्म्स नहीं के बराबर, आई मीन आई डिडंट सिंग फॉर फिल्म्स ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 8 ईयर्स। क्या प्रोग्राम है डिवोशनल और डिवोशनल्स चल ही रहे हैं, इनफैक्ट टाइम्स के लिए मैंने चंडी पाठ किया है विच इज़ रिलीजिंग इन नवरात्रि, और अगले महीने गंगा पे एक प्रोजेक्ट जो संजीव अभ्यंकर जी के साथ मैंने गाया है, तो वो इट्स स्लेटेड फॉर रिलीज़। और लेकिन फिल्में अभी जितने मैंने पिछले 6-7 महीने में जितने फिल्म्स में गाने गाए हैं वो सभी अभी रिलीज़ होने जा रही हैं। क्लासिकल आपने बहुत गाया, डिवोशनल भी गाया जी, आजकल म्यूजिक काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी ट्रेंड जी हाँ, क्या ख्याल है? वेल इंडस्ट्री में ये मेरे ख्याल से हर 2-3 साल में ट्रेंड बदलते ही रहा है, जैसे इन द 80s जब हीरो फिल्म आई थी, उसके बाद काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आई जो सभी मल्टी स्टार कास्ट थी, और तो उसमें भी उस टाइप के गाने, एक्शन ओरिएंटेड फिल्में थी, एक्शन ओरिएंटेड हीरोज थे, तो उनमें सभी मनमोहन देसाई वाली जो फिल्में थी तो उस टाइप के गाने थे। उसके बाद देन व्हेन आशिकी वाज रिलीज या लाल दुपट्टा, तो वो लगातार 1-2-3 साल सभी मेलोडियस गाने आए। अब रीमिक्सेस का और आइटम सॉन्ग्स का दौर चला है, तो बट दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। वेल आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पासिंग फेज, और रीमिक्सेस में यही देखने को मिलता है कि द यंगस्टर्स दे वॉन्ट टू बी एसोशिएटेड विद आर इंडियन म्यूज़िक, लेकिन इन अ वे दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट, इसी का नतीजा ये रीमिक्स हो सकता है। आपने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो क्लासिकल हो या फास्ट नंबर हो जी हाँ, चाहे वो डिवोशनल हो, लेकिन एक अंदर से जो सुकून मिलता है वो आपको किस तरह के गानों से सुकून मिलता है, या एक कलाकार की हैसियत से हर तरह के गाने गाना पसंद है? नहीं, मुझे हर तरह के गाने गाना पसंद है। डिवोशनल में डेफिनेटली आप ईश्वर के लिए गाते हो तो उसमें सुकून तो है ही, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे जितने भी मैंने फिल्मों में भी जितने गाने गाए हैं दे ऑल बीन वेरी मेलेडियस, और हमेशा आई बीन वेरी लकी टू गेट वेरी नाइस सॉन्ग्स, और इस्पेशली जैसे आनंद मिलन जी है, हिमेश रेशमिया है, अनु मलिक जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, एंड इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और डब्बू मलिक है, इन सभी के साथ मुझे बहुत अच्छे गाने मिले हैं। आप काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं, आने वाले नए सिंगर्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे? वेल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप विद द टाइम्स, और जो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, इट्स यू हैव टू रियली कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, और पर्सनली मुझे लगता है कि जो भी नए सिंगर्स आए हैं, जितने इन लोगों ने जितने भी गाने गाए हैं या आइटम सॉन्ग्स है वगैरह, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब रियली, क्योंकि उन्होंने उस गीत को जस्टिफाई किया है। आइटम सॉन्ग पे भी याद आया, आइटम सॉन्ग का आजकल बहुत दौर निकल जी जी बिल्कुल बिल्कुल
आपने कुछ इस तरह के गाने आगे गाए हैं? नहीं, आइटम सॉन्ग्स मैंने अभी तक गाए नहीं, लेकिन आई वुडन्ट माइंड ट्राइंग आउट वन और टू सॉन्ग्स अगर कोई अच्छे गाने अगर आते हैं तो। बस थैंक यू अनुराधा जी, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मतलब एक शोहरत की बुलंदी पे जहाँ तक आप पहुँची थी वैसे वहाँ से नीचे तो नहीं आई हैं, लेकिन बीच में जो गैप हुआ फिर आप वहाँ तक जाएं। जी जी, ये दर्शकों को एक दिवाली विश। मेरे सभी दर्शकों को दशहरा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी दर्शकों को दशहरा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।